أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أي اهل إيمان استعينوا مدد طلب کرو على الاخرت یعنی اخرت پر بالصبر صبر کے على الطاعه والبلاء يني صبر क्या होता है फरमाबरदारी पर और बला मुसीबत पर सबर किसको कहा जाता है ये समझ लीजिए सबर की तीन अकसाम हैं नंबर एक सबर आलत तोआत नंबर दो सबर आल मुसीबत नंबर तीन सबर अनिल जब इनमें से हर हर एक पे सबर करे तो उसको साबिर कहते हैं किसी एक को अपनाने वाले को साबर नहीं कहते तो सबर अलग तौआत का क्या मतलब है सबर अलग तौआत का मतलब यह है नेकी के काम पर सबर करना नेकी का काम अगरचे मुश्किल लगता है अगरचे उसमें मुशक्कत उठानी पड़ती है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए जान लगानी पड़ती है लेकिन सबर करना तो वैसे ना सबर का माना रुक जाना तो अब आप देखिए सर्दी का मौसम है शदीद सर्दी है दिल नहीं करता पानी ठंडा है वजू करने को दिल नहीं करता और कंबल से निकलने को दिल नहीं करता लेकिन नेकी का काम है नमाज पढ़ना अल्लाह का हुक्म है तो अब सर्दी वगैरह को नहीं देखा जाता सब्र किया जा रहा है और अल्लाह की इबादत की जा रही है तो यह है तोआत पर सब्र गर्मियों के दिन है शदीद गर्मी है सख्त तरीन गर्मी है और खूब प्यास लगती है लेकिन उसके बावजूद रोजे रख रहे हैं तो ये सबर है और सबर अनिल क्या है अनिल मासी यानी गुनाहों से बचना गुनाहों से बचना दिल कर रहा है ये गुनाह का काम कर लू ये कर लू ये कर लूँ चूंकि शैतान गुनाहों को मुजिन करके पेश करते है याद रखिये शैतान हाथ पकड़कर किसी से गुनाह नहीं करवाता शैतान क्या करता है गुनाहों को मुजयन करके पेश करता है तो बस लोग उसमें मुबतला हो जाते हैं तो वो मुजयन करता है तो अब दिल कर रहे हैं कि ये गुनाह कर लूं ये कर लूँ लेकिन उस पर सबर कर रहे हैं उस पर सबर कर रहे हैं वो गुनाह नहीं करते तो यह सबर अनिल मासी और सबर आल तो क्या है वो भी मैंने बता दिया और तीसरा रह गया सबर आल मुसीबत आलल बला मुसीबत यानी किसी मुसीबत पर सब्र करना कोई मुसीबत आ गई परेशानी आ गई तो उस पर सब्र करना जजा फजा न करना रोना पीटना सीना को भी करना ये चीजें मनाएं बहरहाल आंसू बहाना ये जायज है लेकिन शिकवे शिकायत करना ये सबर के खिलाफ है तो फरमाया ए ईमान वालों सबर के जरिए से मदद तलब करो व सलात और नमाज के जरिए से खस सहा बिजिक्री इसका जिक्र खास इसलिए किया लि तर रिहाजमे इसकी आजमत की वजह से और इसके बार बार होने की वजह से क्योंकि नमाज बार बार पढ़ी जाती है रोजाना पांच बार पड़ी जातीक <स्थाथिवाँ ना लौह मासाविरीन> अल्लाह सबर करने वालों के साथ है अल्लाह तला की मदद अल्लाह त मद उन लोगों के साथ है जो सबर करने वाले हैं जो सबर करते हैं अल्लाह की मदद उनके साथ होती है जो सब्र नहीं करते उनके साथ अल्लाह की मदद नहीं होती तो मैंने बताया कि ये तीनों सिफात जिसमें पाई जाएंगी उसको साबिर कहते हैं साबिरिन पहले पिछले रुकू के साथ इसका रबत जोड़ लें गुजा आयत में जिक्र और शुक्र का तस्करा था जो कल आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और कुफरान नमत से मना किया गया था जिक्र में तमाम अहकाम खुदाबंदी की पैरवी करना ये शामिल है और तमाम ममनवात से बचना तमाम ममनूत से बचना ये शामिल है किसमें कुरान नेमत की ममनूआत में कुफ़रान नमत से मना किया है तो मतलब तमाम ममनूत से बचना है और शुक्र करना है तो क्या करना है तमाम अहकाम की पैरवी करनी है तो बज़ाहिर तमाम अहकाम को बजा लाना तमाम ममलूात से बचना ये मुश्किल काम है तो अब आइंदा आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जिक्र तिक्र हासिल होने का तरीका बताया यानी जिक्र शुक्र तमाम अहकाम की पैरवी और तमाम ममनुआत से आप कैसे बच सकते हैं तो इस आयत में बताया ऐमान वालों अगर जिक्र शुक्र और कुर्ब और मफ़रत हासिल करना चाहते हो अगर तुम्हें ये तुम्हें ये दुशवार लगे मुश्किल लगे तो सबर और नमाज के जरिए से मदद हासिल करो क्योंकि सबर एक हथियार है ये खास इंसान को दिया गया है ताकि मुश्किल में इसका मददगार रहे और हो रंज और गम को यह हल्का कर देते हवानात है। में सिर्फ शाहआतें अकल नहीं है मलाइका में सिर्फ अकल है शहवात नहीं है और इंसान में दोनों चीजें शाहवत गजब और अकल ये सारा उसमें मौजूद है तो इंसान को इसके रोकने के लिए सबर दिया क्योंकि जिसमें शाहवत नहीं है सिर्फ अकल है उसको सबर की जरूरत ही नहीं है और जिसमें अकल नहीं है सिर्फ शाहवत है उसको भी सबर की जरूरत ही नहीं है तो सबर की जरूरत उसको है जिसके अंदर दोनों चीजें पाई जाती हैं तो दोनों चीजें पाई जाती हैं इंसान में क्यों समझिए अक्ल और शाहवत में जब कश हो तो अक्ल के इशारे पे चलना और नफसानी ख्वाहिशों पर ना चलना इसी का नाम सबर है सबर का मकाम वाकई अखला के जमीला में बड़ा बुलंद है इसलिए हर अमले साल मुकर है मुतन है लेकिन सबर करने का अजर मुकर और मत नहीं बल्कि बेशुमार और बेहिसाब है। कुरान करीम में तकरीब का जिक्र आया है अगर नफ्स पे अहकाम शरिया बाहरी गुजरते हैं तो सबर और नमाज के जरिए से ये आसान हो जाती हैं इसलिए कोई मुश्किल नहीं रहती ये एक मुजरब तरिया का आपको बता दिया इसलिए हजरत अम्बियाई कराम का मामूल था जब उनको कोई परेशानी आती तो नमाज की तरह रुख करते नमाज पढ़ते तो इसलिए नमाज के जरिए से मदद हासिल करनी है वला तक और तुम ना कहो लेमन उन्हें हैं योग तलो जो मारे जाएं फी सभी अल्लाह के रास्ते में होम वो सब उनको क्या न कहो अमवात मुर्दा न कहो बल बल्कि होम वो आहिया उन जिंदा हैं अरवाह हम फी हवास ये तो यूरिन उनकी रूहें परिंदों के पोटों में हैं कौन से परिंदे खुद अरिन जो सब्ज परिंदे हैं तस राहुफिल जन्ना जो जन्नत में उड़ते फिरते हैं है सुशात जहाँ चाहते हैं लेहदीस इन बिदालिका यानी हदीस के अंदर इस अंदाज से बताया गया है हदीस में ये बात बताई गई है कि शहीद की रूह सब परिंदों में होती है और वो जन्नत में इधर उधर उड़ते फिरते हैं वला कि ला तशऊरून और लेकिन तुम शऊर नहीं रखते शहीद जिंदा है लेकिन तुम उसका शऊर नहीं रखते समझिएगा बात को फी है। तुम नहीं जानते कि वो कैसी जिंदे वहां पर कैसी जिंदे बात तुम नहीं जान सकते नहीं समझ सकते गुजश्ता आयत में सबर का जिक्र किया आप फरमाया कि मकाम सबर में इंतहा को पहुंच जाना वो क्या है अल्लाह के रास्ते में अपनी जान दे देना यह उसका रबत है पिछली आयत के साथर के, के बाद शहादत का जिक्र क्यों किया तो ये उसके, उसके साथ है कुरान की हर आय दूसरी के साथ मिली हुई हर आय दूसरी के साथ मिली हुई है तो अब चूंकि और आला मकाम है अपनी जान पेश कर देना शहीद अगरचे जाहरा, फोत हो गया उसका जनाजा भी पढ़ा जाता है उसको कफन अगर हुक्मी शहीद नहीं है हकीकी शहीद है तो उसको कफन नहीं दिया जाता और अगर हुक्मी शहीद है तो उसको कफन भी दिया जाता है हकीकी शहीद को उन्हीं कपड़ों में दफन किया जाते हैं और उसकी मौत आम लोगों की मौत नहीं है मरने के बाद इंसान की तरक्की रुक जाती है मरने के बाद इंसान की तरक्की रुक जाती है इसलिए कि रूह की जो रूह असल तरक्की का जरिया वो उसके जिसम से निकल गई है रूह की तरक्की का जरिया चूंकि बदन है जब रूह का बदन से ताल्लक ही खत्म हो गया जब रूह का बदन से ताल्लक ही खत्म हो गया तो अब ये तरक्की रुक जाती है मगर शहीद की तरक्की जारी रहती है हदीस में जो आदमी फोत हो जाता है उसका अमल रुक जाता है लेकिन मुजाहिद फी सभी का अमल क्यामत तक बढ़ता रहता है इससे जमहूर उम्मत का इस पर इजमा है कि शहीद की हयात जिस्मानी है इसलिए कि मौत का ताल्लुक जिस्म से होता है और कत्ल का ताल्लक भी जिसम से होता है रूह से नहीं होता रूह तो वैसे भी जिंदा है रूह में तो किसी को अख्तलाफ है नहीं रूह रूह तो तो वैसे भी जिंदा जिंदा है तो की है की जहां पर जो बताया गया शहीद के जिसम के बारे में अब ये कैसे मुमकिन है ये बात कब इंसाफ के लायक है कि अल्लाह ताला शहीद की रूह को नमते पहुंचा रहे हैं शहीद की रूह को गजा मिल रही है खाना मिल रहा है और जिसम को कुछ नहीं मिल रहा मार जिसम ने खाई जख्म जिसम ने बर्दाश्त किए गोलियां जिसम अपने ऊपर बर्दाश्त करे और नेमते मिले रू को जिसम को पूछा भी ना जाए ये तो अदल के खिलाफ तो इसलिए शहीद को जो हयात असल है हम उसे नहीं समझ सकते लिहाजा उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है बस जो कुरान ने कह दिया अल्लाह के रसूल ने कह दिया उस पर हमारा ईमान है और फिर हम कराम का दर्जा शान रुतबा ये तो शहीद से भी ऊंचा है इसलिए राम भी हयात हैं अपनी अलाफ अल दुश्मन का खौफ वल जू अल जू भूख कहत साली व नम्बाल मालों में कमी के साथ बिलहलाक हलाक होंगे माल जया हो जाएंगे बाग फसलें तबाह हो जाएंगी वल अनफुस और जानों में कमी के साथ बिल वल बिलकली वल मौत मऊत समारात फलों में कमी के साथ बिल बिलजवा इन चीजों को हम जाया करेंगे फिर हम तुम्हें आजमा, आजमाएंगे हम जांचेंगे कि तुम सबर करते हो या नहीं करते हो बशा और खुशखबरी है सबर करने वालों के लिए खुशखबरी सुना दीजिए सबर करने वालों को आललबलाई उन आजमाइशों पर बिल जन्नत जन्नत के साथ खुशखबरी है हम वो लोग अल्लादीन इजा अब खुमी कौन लोग हैं सबर करने वाले? जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है बला उन कोई आजमश आती है कालू वो कहते हैं इन्ना लिल्लाही। इन्ना लिल्लाही। हम अल्लाह ताला ही के लिए हैं मतलब मिलकन व आबीदन हम अल्लाह ही की मिलकें अल्लाह ही के बंदे हैं उसी के गुलामे फलू बी नामा जो हमारे साथ चाहते जो करते हम उसी के लिए हमारा कोई इख्तियार बस नहीं चलता वो राजिऊन और हमने उसी की तरफ लौट कर जाना है उसी की तरफ लौट के जाने वाले फिल आखिरत आखरत आखिरत में फयो वो हमें बदला देगा फिलहदी सदीस में आता है अज्रहु। 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 अज्रहु फीहा। जो आदमी मुसीबत के वक्त राजिऊन पढ़ता है

मोमन को जो भी तकलीफ मुसीबत बुराई पहुंचती है वह वो मुसीबत वो मुसीबत है लिहाजा उस पर इन लाजून पड़ा जाए तो इसीलिए अगर लाइट चली जाए बिजली बंद हो गई तो इस अदीज से हमें यह भी मालूम हुआ कि उस पर इन्ना लाह व इन्ना लह राजून पड़ा जाए तो इस पर अजर और सवाब भी मिलेगा और सुन्नत पर अमल करने का सवाब अलग से मिलेगा तो गुजश्ता आयत में सबर के सबसे बड़े इम्तहान जियाल्ला का जिक्र किया अभी में सबर के कम दर्जे के इम्तिहान का जिक्र किया जा रहा है कभी दुश्मनों के खौफ से इम्तिहान लेंगे कभी फकर व फाका से कभी माल के नुकसान से कभी जान के नुकसान से कभी फल के नुकसान से कभी अजीज वब के फौत होने से कभी खेती के ज़ाय होने से लिहाजा ए मुसलमानों इन मसायद पर तुमने तो सबर करना है जिक्र और शिक्र को नहीं छोड़ना ये ना मुसीबत आ जाए जिक्र और शिक्र छोड़ दो नमाज ना पढ़ने जाओ मुसीबत आ गई जी नमाज ही ना पढ़ो ऐसा नहीं है और कि जो सबर करने वाले हैं ऐसे लोग जो सबर करते हैं उनके लिए खुशखबरी है उनके लिए खुशखबरी है जब भी कोई परेशानी जब भी कोई मुसीबत पहुंचती है वह हार्फी शिकायत नहीं लाते बल्कि अपनी तसली के लिए कहते हैं इन्ना व इन्ना यह जाम तरीन कलमा इसके बारे में ये बात अपने पास नोट कीजिए बड़ा अहम नुकता यहां पर आपको समझाने लगा यह कलमा सिर्फ इसी उम्मत को मिला है दूसरी किसी उम्मत को यह जुमला इस मुसीबत पर पढ़ने के लिए नहीं मिला यूसुफ में हरे यकूब पर जब मुसीबत आ रही है गुम चालीस साल का अरसा है इस का कोई तस्करा नहीं है क्यों इस पर बल्कि कहा गया इन्ना का जिक्र नहीं है

यही लोग हैं इन पर खास यानी रकमतेंत रतन और यही लोग हिदायत पाने वाले रास्ता सीधा रास्ता पाने वाले <coughs> तो साबरीन की बशारत के लिए सलाद का लफज भी इस्तेमाल किया गया सबर करने वालों को उन एनायात खास से सरफराजा जो अंबिया कराम के हमरंग होती हैं तो इसलिए मुसीबत के वक्त सबर से काम लेना जजा फजा न करना नोखा न करना सीना को भी न करना कलम शिकायत जबान पे न लाना यह तरीका अंबिया कराम का है जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं फसबिर कमाबार मीना रसुल ऐसे सबर कीजिए जैसा कि उलम रसूलों ने सबर की तो इसलिए साबरीन को सलात और इनायात खासा से सरफराजा और जान और माल का जो नुकसान हुआ उसके अवज़ में इनायात आमा यदि मेहरबानी और रखमतों से नवाजा तो मालूम हुआ सलात और रखमत में फर्क है सलात से रहमत खासा मराद है जो दीनी और दुनियावी जहरी बातनी बरकत का मूजब है और रखमत से इनायात आमा मराद हैं जो दुनिया में फौज शुदा जान वाल का अवज है अर तुम रजीन फरमाते हैं इस आयत में तीन चीजों का जिक्र है साबिरीन के लिए सलात रहमत हिदायत तीन बातें सलात का जिक्र रहमत का जिक्र हिदायत का जिक्र और तसल्ली के लिए तवज्जो से तसल्ली के लिए मुसीबत के वक्त दो कलमे इरशाद फरमाए गए एक अकली है एक तबई है अकली तो यह है कि हम सब अल्लाह की मिलकर लिल्लाह हम सब अल्लाह की मिलके हैं। जिसको चाहे दुनिया में रहने दे जिसको चाहे आखिरत में बुला ले कौन उससे पूछने वाले क्योंकि वो मालिक है वो खाले के उससे कोई पूछने वाला नहीं जो चाहे वो करे उसे इख्तियार है देखें किसी चीज को एक आदमी एक चीज़ का मालिक है अब वो किसी चीज को अपने घर के नीचे वाली मंजिल में रखे या ऊपर वाली में रखे एक कमरे में रखे दूसरे में रखे अलमारी में रखे या किसी और जगह पर रखे उसकी मर्जी है

अल्लाह जहां चाहे रखे उसकी मर्जी एक नंबर दो दूसरा जुमला वही इसको समझिए ये तबी है हम सब को वहीं जाना है हम सब को वहीं जाना है क्योंकि वही हमारा वतन असली है ये दुनिया तो एक जेल खाना है अब अगर किसी को जेल खाने से निकाल कर महल्ला और बागों में पहुंचा दिया जाए तो ये हकीकत में मकाम खुशी है तो जुमला इन्ना में अकल की तसली है वह इन्ना इलेज में तबियत की तसली है। ये तो बात है तसली की लेकिन शरीयत ने रोने और आंसू बहाने की भी मुखालफत नहीं की उसकी इजाजत दी है बल्कि उसे भी राहमत कहा है क्योंकि जज्बात की रियायत रखी गई है और ये खूबी है शरीयत की कि अकल तबीयत जज्बात सभी की रियायत रखी अकल की भी रियायत तबीयत की भी रियायत जज्बात की भी रियायत जब कोई फौत हो जाता है तो उमूमन दो ख्याल आते हैं जब फौत हो जाते हैं उमूमन दो ख्याल आते हैं नंबर एक फौत क्यों हुआ नंबर दो हमसे जुदा क्यों हुआ पहला ख्याल ये फौत क्यों हुआ दूसरा हमसे जुदा क्यों हुआ दोनों का इजाला कर दिया कि अल्लाह की है उसे तसरफ की इजाजत है दूसरा ख्याल था कि जुदा क्यों हुआ फरमाया जुदा नहीं हुआ सब ने वहीं जाने आप भी एक दिन वहां जाओगे कुछ दिनों की बात है आपने भी वहां जाने है कब्रस्तान जाकर जो दुआ पढ़ते हैं, है है। तो हैं है, तो फरमाया नहीं जुदा हुआ आप भी चंद दिन के मेहमान भी वहीं जाना तो उम्मीद है बात आपको समझ आ गई हो बाकी एसायत में जो ये आजमाइशों का जिक्र किया इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहाँ पर खौफ से मराद क्या है फरमाते खौफ से मराद खौफे खुदाबंदी है भूख से रमजान के रोजे मरादें माल की कमी से सदकत और जक़ात मरादें जानों के नुकसान से अमवात अमराज बीमारियां मुरादें और समराज के नुकसान से औलाद का मरना मरादे क्योंकि औलाद भी इंसान की जिंदगी का फल है एक अदीस आते अशरी रजी अल्लाहबा फरमाते के नबी सम ने फरमाया कि जब फरिश्ते किसी मोमन आदमी के बच्चे की रूह कबज़ करके ले जाते हैं

तो मालूम हुआ औलाद दिल का फल है तो समरात से मराद समरात से मरात औलाद का मरना इमाम शाफी राम की तखसीस है तो बहरहाल हर मुसीबत पर यह पढ़ना चाहिए इन्ना व इन्ना तो इसका अल्लाह ताला दुनिया में भी दे देते हैं और आखिरत के अंदर भी इसका समरा मिल जाएगा इन्ना सफावा का बेशक सफा और मरवा ये दो पहाड़ है मक्का में

फलाहा इसमा कोई गुना नहीं आलही उस परुना नहीं कि तवाफ करे तो है ये इसमें कि इन दोनों का तवाफ करे साई करे उस पर कोई गुना नहीं बेस बेमा सब अन चक्कर लगाए नजलत नाजल हुई ये ये आयत कब नाजल हुई लम्मा करे हल मुसलिमूना करे हल मुसलिमूना इन दोनों का तवाफ करते थे वह अल सोनमान और सफा और मरवा पर दो बुत रखे हुए थे यम हुमा और जाती उन बुतों को छू कर जाते थे और इनका नजरिये छूने सम्राज इसलाम है

और मरवा पे होगा सफा से मरवा की तरफ जाना है वो मन और जो ज्यादा करे नफली इबादत जो इख्तियारी चीजें जो ज्यादा करना चाहे और एक किरात में या के साथ है तो उस सूरत में जब इसको या के साथ पढ़ेंगे तो इसको तत्व के बजाय पढ़ेंगे ये कहते हैं मजजूमन जब तो की तशदीद और या के साथ पढ़ेंगे तो इसको मजजूम पढ़ेंगे यानी आइन पर जो फतेह है ये इसको फतः नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको मजूम साकिन पढ़ेंगे मरजूम साफी और इसमें भी ता का इम किया गया है फरमाया और जो ज्यादा करेगा नेकी का काम उसके लिए बेहतर है ए भी ए ही मिन जो नफली तोाफन उस पर फर्ज नहीं किए गए वो अगर ज्यादा करना चाहते हैं तो करे उस पर उसको ज्यादा स्वाब मिलेगा फिर शाकिर बेशक अल्लाह ताला शाकिर है कदरदान है ले ही बिल ही। उसने जो काम किया उस पर अल्लाह उसको स्वाब देंगे मुन भी और अल्लाह ताला उसके अमल को जानते हैं समझिए बात को यहाँ पर जरूरी बात यह है एक तो शाह नजूल की कुछ वजाहत इन्होंने कर दी है तो मैं तीन चीजें आपको समझाऊंगा रबत क्या है शाह नजूल क्या है और फिर सफा और मरबा को शायर उल्ला क्यों कहा शायर उल्लाह क्या चीज होती है इसके अलावा और शायरुल्लाह क्या क्या है इन चीज़ों को थोड़ा समझना है रबत तो यह है कि सबका आयत में साबरीन के लिए रहामत और सलात और हिदायत का जिक्र किया अब इस आयत में उसकी एक दलील जिक्र की जा रही है गर्द हाजरा और अरद इसमाइल की सबर की एक यादगार जिक्र की जा रही है कि सफा और मरवा की साई उसी सबर की एक यादगार है सबर की बरकत से सबर की बरकत से उन्हें रहमतों के साथ नवाजा गया और इसी बहस से कबला और मनासा आज और उमरा की भी तकमील हो जाएगी ये आगे वाला इब्राहिम और इस सिलसिले कलाम को जोड़ दिया और मरबूत कर दिया गया शान नजूल का यह है सफ़ा और मरवा मक्का में दो पाड़िया इब्राहिम के वक्त से लोग इनके तवाफ करते रहे तो जहलीत में कुफार ने उनके ऊपर दो बुत रखे हुए थे जैसे कि साहब जल ने खुद जिक्र किया और कुफार जब तवाफ़ करते थे तो उसका इस्तेमाल करते थे साहब क्राम को जब तवाफ़ का हुक्म हुआ तो सहाब इक्राम को शुबा हुआ कि वहां पर तो कुफार तवाफ़ करते हैं जहलीत की रस्म है तो कहीं इस पर हमें गुना न हो इसकी साई में कोई आरज तो नहीं है तो इस पर अल्लाह तयत नाजिल कर दी कि सफ़ा और मरवा मरवा की साई आप करेंद हाजरा और इसमाइल की बरकत से मुनासि हाजमें से इनको बना दिया गया काफिलों की से इसमें शोभा में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है सफा मरवा दर हकीकत शायर में से है उनका तोाफ सरासर खैर ही खैर है इसमें कोई बुराई की बात नहीं है और जोश खैर और नयकी में ज्यादा शौक रखेगा रगबत रखेगा ज्यादा करेगा अल्लाह तदर दानी फरमाते पूरी आयत का मफहूम होगी शायर क्या चीज है तीसरी बात शायर ये शायरा की जमा है शायर शायरा की जमा है इसका माना है अलामत यह लुगवी तारीफ है और इसलाह में फन्नी तारीफ क्या है फन्नी तारीफ यह है शाइर से मराद वो अमाल हैं जिनको अल्लाह ताला ने दीन की अलामतें करार दिया शाइरुल्ला से मराद वो अमाल हैं जिनको अल्लाह ताला ने दीन की अलामतें करार दिया नंबर दो शाला से मराद वो चीजें हैं जिनसे कुफर और इस्लाम में इम्तियाज पैदा होता है जिन चीजों के साथ कुफर और इस्लाम में इम्तियाज पैदा होते हैं उनको शाइरुल्ला कहते हैं नंबर तीन बहुत सारी अशिया हैं जो शाला में शामिल हैं शाह वलील मुहदस देल बी ही फरमाते हैं शाहर उल्लाह में पहले नंबर पर कुरान करीम है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसके बाद काबतुल्ला है उसके बाद नमाज है और फिर ये सफा मरवा ये भी शारोल्ला है बाकी अजान वगैरह ये भी सब शारो में शामिल है आजी की कुर्बानी का जानवर ये भी शाला में शामिल है याद रखें अहनाफ के नजदीक सफा और मरवा की साई करना वाजिब है सफा मरवा की साई अगर किसी ने नहीं की तो दम पड़ेगा दम दमसिमरा शु शुफ वाला नहीं दम कुर्बानी देनी पड़ेगी और याद रखें ये मसला भी समझ लीजिए साई नफली नहीं होती साई नफली नहीं होती हाँ तो आफ नफली होते है जितना ज्यादा तो लोग वहां पर नफली साई करते रहते हैं अपने आप को थकाते रहते हैं नफली साई नहीं होती तो आफ नफली जितने चाहें करें अल्लाह ताला सबको बार बार तोफीक दे तो हज किसको कहते हैं हज का लफसी माना कस्त और इरादा और अलाई शरीत में वैसे लफसी माना तो साहब ने जिक्र भी कर दिए इसी शरीत में हज कहा जाता है खास हालत में खास महीनों में खास दिनों में खास मकाम का कस्त करना इसको हज कहते हैं आज हर जगह नहीं होता खास मकाम पे होते और हर महीने भी नहीं होता खास महीनों में होते और जिंदगी बार में हज एक बार उस आदमी पर फर्ज है जो आमदो रफ्त वहां आने जाने रहने सहने का खर्चा रखता हो और, और याल के लिए भी इतना खर्चा पीछे मौजूद हो और रास्ता भी पुरन हो तो उस पर फ़र्ज़ है ऐसी सूरत में अगर माजूर है रास्ता पुर अमन है खर्चा उसके पास मौजूद है सब कुछ है लेकिन माजूर है जा नहीं सकता तो आज इस पर भी फर्ज है लेकिन यह हज बदल कराएगा बाकी हज के मसाला आगे आ रहे हैं वहां से इस बात को शुरू किया और हज पे ला कर इसको मुकम्मल कर दिया आगे जो बात आ रही है यहूद के बारे में नाजल हुई इनदीन बेशक वो लोग जो छुपाते हैं छुपाते हैं माँ उस चीज कोई नादा उस चीज को जो हमने दलायल और हिदायत बयान की उसको छुपा रहे हैं कायत

तो अब हक को छुपाने पर बता दी गई कि जो तो हक को छपाते उसकी सजा उसकी सजा ये वो तो अल्लाह की रखमत से दूर है हक को जानते हुए हक को छपाते हैं तो उनका हल क्या है उन पर लानत है उनके लिए लानत है तो लानत करने वालों से क्या मरादे गुर साहेब जल ने लिख भी दिया ये लोग दुश्मनी है इस्लाम की वजह से इस्लाम के साथ दावत की वजह से आग को छुपाते हैं और पोषिदा रखना चाहते हैं तो ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला लानत फरमाते हैं इसलिए ये अल्लाह का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं इनको शर्म नहीं आती अल्लाह ताला जालत को ख़त्म करना चाहते हैं और ये जालत को फैलाना चाहते हैं फरमाए सिर्फ अल्लाह लानत नहीं करते बल्कि सभी लानत करने वाले लानत करते हैं मलाइका भी अंबिया भी सलाखा भी सभी इन पर लानत करते हैं क्योंकि ये अल्लाह ताला के अहकाम की नशर वात में रुकावट बनते हैं अवाम और फुस्ाक और फुजार इन पर लानत करते हैं अम्बियाल इसलिए लानत करते हैं कि अल्लाह के अहकाम की नशर वनते हैं और अवाम अवाम या फुस्ाक और फुजार लोग इसलिए लानत करते हैं अवाम या फुसाक और फुजार लोग आम लोग लानत इसलिए करते हैं उसकी वजह क्या है उसकी वजह यह है कि इन्होंने इन लोगों को हिदायत से दूर रखा हक हाँ मालूम होने से इनको रोके रखा तो इस जुलम यानी कितम हक की वजह से तरह तरह के मसाय फिर उन पर भी नाजुल हुए जिसकी वजह से तमाम हेवान पर भी मुसीबतें आती हैं परेशानियां आती हैं तोवानात और जमादात भी इन लोगों पर लानत करते हैं यह लन सारे लानत कर जमादात और हेवानत भी इन पर लानत करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी वजह सेवानात पर भी मुसीबत आती है वो भी मुसीबत में गिरफ्तार होती है जिस मुजाह राम एक रिवायत नकल फरमाते हैं कि रबकेत साली होती है बारिश बंद हो जाती है तो जानवर गुनाह करने वालों पर लानत करते हैं कि कम वक्तों की वजह से हमारे ऊपर भी मुसीबत है तो बहरहाल इलम को छुपाना जायज नहीं है जिस इलम को जाहिर करना है उसको जाहिर किया जाए उसको छुपाया ना जाए इलम छुपाने की इजाज़त नहीं आपसे अगर किसी ने मसला पूछा है आपको मसला मालूम है और आप समझती हैं इस मसले को लेकर ये फितना फैलाना नहीं चाहता उसको सही सही मसला बता दे। ताबू मगर वो, जिन्होंने तौबा की, यानी, यानी वो बाज रहे इससे आग को छपाने से बाज रहे या उन्होंने रुजू कर लिया आग को छुपाने से अब उन्होंने रजू कर लिया वास्ल मलम और अपने अमाल की अब उन्होंने इस्लाह कर ली मा काम और जाहिर कर दिया जो छपाया था

यहां पर आग में क्यों होंगे आग में क्यों होंगे लानत का मदलूल है इनका अंजाम वो आग होगी लाफा तरा फत आग झपकने की मकदार भी उनके लिए अजाब में कोई कमी नहीं होगी वला और ना उनको मोहलत दी जाएगी यू महलून तोबा के लिए कोई मोहलत उन्हें नहीं दी जाएगी वाजरत उनकी माजरत कबूल भी नहीं होगी वह नजाला और ये नाजल हुई लम्बा कालू जब कहा इन्होंने सिर्फ लना रबुक हमारे लिए बयान कीजिए हमारे रब के क्या औसाफ हैं तो ये आयत आयता व इलाकुम तुम्हारा माबूझ अलमस्तक के लिए इबादत जो तुम्हारी इबादत के लिए मुस्तक इबादत है वो एक ही है इलाद वो एक है ला नज़ीरू उसका कोई सानी नहीं फी जी उसकी जत में वाला फी सिफाती ना उसकी कोई सिफात में ला इला, हु, ला इला, हु, ला इला हु, कोई इबादत के लायक नहीं सवाल सीखे अर्रहमान और रहीम जो रहमान और रहीम है वो तलब आय जब उन्होंने इस बात पर दलील तलब की कि अल्लाह ताला की कि उस पर दलील क्या है तो उस पर यह आयता ही इन नफी खल की समावती वल अर्स। बेशक जमीन और आसमान की पैदाइश में व माफी ही मामिल जाय और जमीन और आसमान के दरमियान जो अजायब कुदरत हैं वाफी लिलहार दिन रात के अख्तिलाफ में बेजिहाब व आने जाने में व्यादाती व नुकसान इन कमी बेशी में कभी दिन बड़ा कभी रात बड़ी कभी दिन छोटा कभी रात छोटी वलफुल कियाफन कश्तियों के चलने में अल्लाह की तजरीफी बाहर जो समर में चल रही होती हैं वन सबु मुह रतन और वो जो कश्तियां जो समंदर में चल रही होती हैं वो डूबती है, नहीं है बावजूद बौजो लोने के बिमास ये क्यों चलती हैं लोगों के नफे के लिए मिनत तजारती वमल उसके जरिए से लोग तजारत करते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क सामान आता जाते हैं और उस पर बोझ उठाए जाते हैं वमान और जो वमान और इसमें भी निशानियां हैं जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया आसमान से पानी मकर बारिश अर्जा जिंदा किया उसके जरिए से जमीन को मतलब बिना बात उसकी सब्जियों को निकाला बाद बादतिया उसके खुशी को होने के बाद मौत माने जमीन की मौत उसका बंजर होना है बस और फैला दिया फर्रा का फैला दिया, दिया। परिश पाते हैं तरबियत होती है, इनकी है। उसी सब्जी के साथ उसी चारे के साथ जो इस पानी के जरिए से पैदा होता है वह रिया और हवाओं के फेरने में तकलीब हा उनका फिरना जुनूबन व शिमाल शिमाल शम, और जुनूब में हार रतन व बार रतन कभी ठंडी और कभी गर्म ये सारी चलाई जा रही है इसमें अल्लाह ताला की निशानियाँ अल्लाह केमर जो अल्लाह के हुम का ताब फरमान है यीर सुशाला जानना चाहती हूँ उसको ले जाती है जमीन और आसमान के दरम्यान बिला इलाकी बिला बिलान बिला किसी बांधे बिला किसी चीज के वो खड़ा है उस कौम के लिए, लिए गौरव फिक्र करते हैं उसके लिए सारी चीजें ये इस सब के अंदर ये सारी आलाम और अल्लाह तला की कुदरत की निशानियाँ अब देखिए जरा इस बात को अगर हम इसमें तफसील में जाए तो ये जितनी बातें भी यहाँ पर जिक्र की गई हैं अहम तरीन बातों का तस्कर यहाँ पर किया गया जिस जिस चीज को देखें आसमान की तखलीक जमीन की तख्लीक दिन रात की आमदोराफ उनके अख्तलाफ और उनके इनकलाफ जहाज़ों और कश्तियों जो टनों वजन लेकर पानी में चलती हैं पानी जो कि स्याल है उसके बावजूद लाखों मन वजन लेकर ये बड़े बड़े कंटेनर मशरक से मगरब तक मुंतकिल हो रहे हैं उन्हें चलाने के लिए हवाओं का चलाना अपनी एकमत से उनके रुख को बदलना ये सब अल्लाह ताला की कुदरत के दलाइल ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां अब देखें ये खुशकी ये किस्म किस्म के, के फल फूल फसलें उगाना अल्लाह की कुदरत की अलामतें और ये अकसाम के जानवर में फैलाना हवाओं का फेरना या हजारों लाखों मन पानी के साथ भरे हुए ये बादल ऊपर चल रहे हैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही बार सारा बादल फटे और सारा पानी नीचे गिर जाए फिर फिर तो लोग तबाह बर्बाद हो जाए अब कतरा कतरा उससे बरसता है कितने शकील और भारी बादल ये अल्लाह की वक्त के उसकी कुदरत के उसके एक होने के उसके मबूद होने के मसूद होने के बराहन और दलाइन फिर आसमान की तख्लीक को आप देखिए गौर कीजिए आसमान हकीकत के पार से एक ही है मगर कोई छोटा कोई बड़ा फिर तारे स्यारे शाम कमर आर् की शान अलग अलग हरकत अलग सम्मत अलग जेहत अलग भ्रज अलग ये सब देख कर हर अक्लमंद समझ सकता है कि ये निज़ाम खुद नहीं चलता जमीन के टुकड़ों को देखिए कोई मुख्तलिफ खासियत मुख्तलिफ रंग मुख्तलिफ पैदावार मुख्तलिफ और इसके अंदर आने वाली फसलें फल सब्जियां मुख्तलिफ कहीं बादाम, कहीं अनाज कहीं आम कहीं रहने वाले ठंडे मिजाज के कोई गर्म मिजाज के कोई काले कोई घोरे कोई गंदमी कोई नरम मिजाज कोई सख्त मिजाज कोई अकलमंद कोई बेवकूफ कोई मादा कोई नर ये सभी को चल्ला की कुदरत के दिलाए ली तो है मट्टी एक ही है जिससे बनाया लेकिन कोई किस तरह का कोई किस तरह का ये सब कुछ उसी का बनाया हुआ ये सब ये मुख्तलिफ चीजें ये किसने बनाई जमीन का कोई ऐसा शोर है कोई बंजर है कोई सब्ज़ाज़ार है कोई मरगजार है कोई क्या है कोई क्या, क्या है ये सब बनाने वाला वो ये कहीं स्याह पाड़िया कहीं सुरख पाड़ियां कई मैदान कहीं टीले कहीं पहाड़ियां ये उसी का चलाया हुआ निज़ाम है और फिर आप देखें जमीन में मुख्तलिफ तरह की चीजें उसी पानी से उसी जमीन से निकले जायके सब अलग है कितनी है? कि जमीन है, जमीन है जमीने भी साथ हैं जैसे आसमान साथ हैं याद रखें बाल लोग ने जमीन एक है साथ होने काफा है सब आसमावात कई बार ये लफजने साथ हैं इसके बारे में कुरान में सूरत तलाक में मौजूद है विन्र हुना की जमीने भी ऐसी जमीने भी साथ हैं फिर रात और दिन के अख्तलाफ का जिक्र किया कभी दिन बड़ा कभी रात बड़ी कभी रात छोटी कभी दिन छोटा अगर हमेशा रात ही रहती तमाम दुनिया तमाम जहान तारीकी और अंधेरे की मुसीबत में फंस जाता कोई काम काज ना चलता अगर रात न होती हमेशा दिन होता गर्मी से तमाम आलम तड़प उठता खेतियां जल जाती बागात फसलें जल जाती आराम और नींद आर से हर जनवर हर जनदार हर चीज महरूम हो जाती तो ये सब कुछ अल्लाह की कुदरत के दलाइल और उसकी कुदरत की आलाम और निशानियां हैं जो है वो अक्ल मंद और फरमाया लोगों में से बास वो हैं। है। शरीक।, शरीक बना लिया गैर को बुतों को उनको अल्लाह का शरीक बना दिया ऐसे ही मोहब्बत करते हैं कहाबिल्ला जैसे अल्लाह से मोहब्बत की जाती है उनकी ऐसी तजीम करते हैं जैसे अल्लाह की, की जाती है ऐसी आर्जी करते हैं जैसे अल्लाह के सामने की जाती है देखते हैं अल्लाह हाजत रवाए ये मखलूक को भी उसी नज़र से देखते हैं अल्लाह मुश्किल खुश आए ये मखलूक को भी उसी नज़र से देखते हैं वदीन आम नब्बल और वह लोग जो ईमान लाए हैं उनकी मोहब्बत सबसे ज्यादा सख्त अल्लाह के साथ होती है मिनहब भी

बेत जिनसे ये मदद तलब करते हैं जो अल्लाह को शरीक बनाते हैं इद्यारवना, इद्यारवना जब वो देखेंगे बिल बनाफा अलब को लड़ाई तो अमर आजीमन तो आपने एक बड़ी बात को देखा आप एक बड़ी बात को देखेंगे यहाँ पर इज, माना इजा है ये इससे कबल जो इज आया इजा के माना है अनकुवता अलुदरत वग़ल जमियात के लिए और ये जमिया है वन शदीदुलाज़ाब और बेशक अल्लाह तख्सा देने वाले व वा फीरा और एक बेतः जरा है फी और इसके अंदर जो फाइल है किला कहा गया है कि जमीराम जमीरामी वकील और इसमें जमीर क्या मतलब इस बात का समझें यरा का फाइल मुखातब की जमीर है सामे मुखातब है, वकील वकील और कहा किम यालम, या और यहाँ पर कहा जो ये गया है ये यह जो यहाँ पर कहा कहाीना म ये के माना में ये जरा के माना में वो अनबादत मुसिद्दूल और इसके बाद उनका माबाद दो मफूलों के लिए जिक्र किया गया है दो मफूलों के कायम मकायम है वह जवाब लव, लव का जवाब यहाँ पर मकसूफ है वल माना माना इसका क्या बनेगा अगर ये दुनिया में जान लेते आजाद की, की सख्ती कोदरता और अल्लाह की कुदरत को जान लेते तो अल्लाह तला की वहदानियत के करार कर लेते अल्लाह की वाहदत को उसकी कुदरत को जान लेते तो फिर पता चल जाता लेकिन इन्होंने उसको कब जाना उसको कब जाना क्यामत के दिन मुआयने के वक, वक्त वक्त मुआनत थी जब उनका मुआयना हो रहा है जब उनका मुआफ़ हो रहा है उस वक्त पहचान रहे हैं उस वक्त पहचानने का कोई फायदा नहीं वो योम और इस का दिन है इसलिए इससे इस इस पहले वाले इसके साथ तबर्रीन तुबियो यानी जाप बरात का ऐलान करेंगे वो लोग जिनकी पूजा की गई जिनकी इतबा की इनके बड़े बढ़ेरे चौधरी जिन्होंने इनको इस रास्ते पर लगाया मिनीन तब उन लोगों से जिन्होंने इतवा की अनकरू तो ये उनकी को करेंगे वो कहेंगे को कोई गुमराह नहीं किया और, और मुनति हो जाएंगे सारे, तलकात, सारे तलकात, खत्म तबर्रा पर कि जब सारे इसबा हो जाएंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा जब पूजा करने वाले जिनकी पूजा की गई है उनसे वो एराज, एराज कर देंगे बेजारी के इजहार कर देंगे बरात के इजहार कर देंगे हमें कोई पता नहीं इनको गलत रास्ते पर नहीं लगाया और ये चेले कहेंगे कि हमारे बड़ों ने हमें इस रास्ते पर लगाया या अल्लाह इनको पकड़िए और बड़े कहेंगे हमें कोई पता नहीं हमने इनको नहीं कहा था हमने कौन सा हाथ पकड़ के बल्कि वहां पर तो शैतान भी कहेगा फला मुझे मलामत ना करो मैंने कौन सा तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमसे गुनाह करवाए

ये हमसे बरात कर रहे हैं तो हम भी उनसे ऐसे ही करें कमा तबर्र उमन्ना जैसा कि इन्होंने हमसे बरात की लेकिन अलोम आज के दिन यहाँ पर लो तमन्नी के लिए है फन उसका जवाब है तमन्नी का जवाब है कजाली का इसी तरह कमा और शिद्दत आजाब ही जब ये आजाद की शिद्दत को देखेंगे तो बाज बाज से बरात के इजहार कर देंगे हमें किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं जब आजाद की शिद्दत देखेंगे एक दूसरे को इनकार कर देंगे वहां पर तो माँ बाप अपनी औलाद से भाग रहे होंगे मियाँ बीवी एक दूसरे से भाग रहे होंगे दिखाएगा उनको उनके हाल, उन, हाल है मतलब उन पर उनको उनके अमाल पर निदामत हो रही होगी निकलने वाले नहीं होंगे आग से बाद जब उसमें दाखिल हो गए अब हमेशा उस आग में रहेंगे उस आग से उनको निकाला नहीं जाएगा चले आज इतना ही काफी है बस कर लेते हैं ये थोड़ा सा मजीद पढ़ लेते लेकिन मुझे अभी लाहौर जाना है तो इसलिए इसी पर इतफा कर लेते